हे गाइस, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं हमारे बाबू भैया की। अब हमारे बाबू भैया के बारे में इतना तो तुम लोग जानते होंगे यार कि इसे हवाबाजी करने का कितना शौक है। मतलब एक बार को कुत्ता टांग उठाकर मूदना छोड़ सकता है, बिल्ली गाने गाकर चलना छोड़ सकती है, और तो और करण जौहर उंगली से हस्तमैथुन करना छोड़ सकता है, लेकिन हमारे बाबू भैया हवाबाजी करना छोड़ दें, ऐसा कभी हो सकता है क्या बाबू भाई? हाँ तो यार, अपने हवाबाजी की इसी आदत से मजबूर होकर हमारे बाबू भैया ने अपने हवाबाजी करने की हद पार करी है बिग बॉस शो में जाकर, जहाँ पर कि ये तो बोलता है कि ये दुनिया में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है। मैं ना हमेशा से अपने स्टेट उत्तराखंड देवभूमि को रिप्रेजेंट करना चाहता था एक आर्टिस्ट की तरह, और मैं चाहता था यार जहाँ पर भी जाऊँ ना मेरे नाम से पहले लोग मेरे स्टेट का नाम पुकारे। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। UK 07 राइडर क्या है? देहरादून का ना पिन कोड है UK 07। तो मैं चाहता था कि मैं अपने नाम से पहले अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। अरे हमारे प्यारे बाबू भैया, जनता ना इमोशनल हो सकती है, चूतिया नहीं। तो इसलिए तुम अगर जनता को खुश करने के लिए मीठा झूठ भी बोल रहे हो, तो कम से कम ऐसा झूठ तो बोलो जिसे समझने में जनता को थोड़ा टाइम लगे। साला इतना कोरा झूठ बोल रहा है कि सुनते ही सबसे पहले मुंह से गाली निकल रही है। तो मैं चाहता था कि मैं अपने नाम से पहले अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। नहीं, इसके चैनल का नाम यार UK 07 हटाकर नेपाल राइडर भी कर देना, तो इसका चैनल इसके कंटेंट से ज्यादा रिलेवेंट लगेगा, क्योंकि उत्तराखंड से ज्यादा इसने अपनी वीडियो में नेपाल को दिखाया है। नहीं, इसके चैनल पर ना मुझे गिनकर उत्तराखंड के 3 जगह के ब्लॉग्स मिले, जो कि थे हरिद्वार, नैनीताल और केदारनाथ। अच्छा, जिनमें से कि हरिद्वार को इसने अपने ब्लॉग्स में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। जो लोग भी ये ब्लॉग गाइस हरिद्वार से देख रहे हैं, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, कवर करके एक शॉप हो गया हरिद्वार में, ये एक नंबर का फ्रॉड है। इस बंदे ने मेरे 1.5 लाख रुपए लिए, इस बंदे ने मेरे से ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए लिए, ना मेरे को मेरा फोन दिया। चुप कर बे कुत्ते। नैनीताल वाले व्लॉग में ये वहाँ के पुलिस वालों का सर दर्द बना। मेरी बात शहर में बाइक शहर की तरह चला यार, मैं मुझे इसीलिए आना पड़ा, कितनी आवाज कर रखी तुमने यार, हाई कोर्ट के सब काम है, फिर 2 मिनट में कार्रवाई करूंगा, फिर वो हो जाऊंगा। रही बात केदारनाथ की, तो अगर तुम लोगों को लगता है कि ये केदारनाथ को रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर इसकी वजह से लोग केदारनाथ आएंगे, तो अपने घर वालों को कहो कि जाकर दूसरा बच्चा पैदा कर ले, क्योंकि तुम तो चूतिया हो चुके हो। तो मैं चाहता था कि मैं अपने नाम से पहले अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। हो गए बकचोदे। नहीं अब यार, अगर फैक्ट वाली बात की जाए तो यार मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और खुद भी एक क्रिएटर हूँ, तो इसलिए यार इतना ज्ञान तो हमें भी है कि ऐसे कौन से मुद्दे या फिर ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जहाँ पर कि एज ए इन्फ्लुएंसर हम लोगों को अपना रोल दिखाना चाहिए, जो कि जरूरी भी है। बात तो सही है। अब जैसे और टाइम को छोड़कर अगर हम लोग इसी साल की बात करें, तो इस साल हमारे उत्तराखंड में 2 सबसे बड़े मुद्दे और घटनाएं हुई, जिनमें की पहली चीज थी उत्तराखंड के लोगों के द्वारा भू कानून की मांग, जिसके लेकर लोगों ने रैलियां निकाली, आंदोलन करे और सोशल मीडिया पे भी इसका एक अच्छा खासा ट्रेंड बना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन भाई अगर हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने वाले इस इन्फ्लुएंसर को देखें, तो इस चीज के ऊपर हमारे बाबू भैया ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई पोस्ट या फिर कोई इंस्टा स्टोरी तक नहीं डाली, और जबकि इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आवाज भी हमारे बाबू भैया के सर देहरादून से ही उठी थी। मैं ना हमेशा से अपने स्टेट उत्तराखंड देवभूमि को रिप्रेजेंट करना चाहता था। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? खैर, लेकिन इस चीज को चलो एक बार को यार इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन भाई अगर बात करें दूसरी घटना की, जो कि था यार अंकिता भंडारी के, जो कि उत्तराखंड में नहीं लगभग साथ पूरे इंडिया में वायरल हुआ, और कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस चीज के ऊपर वीडियो बनाई, और लोकल नहीं बल्कि नेशनल न्यूज चैनल तक ने इस चीज को कवर किया, लेकिन यार इस चीज के ऊपर भी हमारे बाबू भैया का ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं आया। जबकि यार उत्तराखंड के एक्स टिकटॉक स्टार या फिर रील स्टार, जिनको कि सभी रीलरों की तरह क्रिंज बोलकर रोस्ट किया जाता है, यार उन लोगों तक ना ऑडियंस को इस चीज के लिए इन्फ्लुएंस किया। तो मैं चाहता था कि मैं अपने नाम से पहले अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तुमसे ना हो पाएगा, मान लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। निभाओ भैया, उत्तराखंड में बने घर से व्लॉग कर लेने से या फिर गाड़ी के नंबर प्लेट और चैनल के नाम में यूके होने से ही हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट नहीं कर लेते, बल्कि उत्तराखंड की अच्छी भली चीजों को दुनिया तक पहुंचा के या फिर अपनी काबिलियत के हिसाब से उत्तराखंड के हित में कुछ काम करने के बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ यार हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब ये सब सुनने के बाद कुछ लोग ये मत जज कर लेना यार कि ये बंदा कतई हरामी आदमी है, तो नहीं यार ऐसा भी नहीं है, इस बंदे ने अच्छे काम भी किए हैं, कुछ लोगों की इसने अपने तरीके से हेल्प करी है, कुछ जगह डोनेशन भी दिया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। लेकिन बस यहाँ पर बात ये थी कि जो इसने ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने की बात करी है ना, तो वो ऐसा उत्तराखंड हमें ज्यादा चुभी है, बाकी भगवान से हमारी प्रार्थना यार कि आगे से अपनी इन गलतियों को सुधार ले और हमें इसे ऐसे ताने देने की जरूरत ना पड़े। यार तो अब यार जरा बात करते हैं बिग बॉस की। अब यार जहाँ अपने व्लॉग्स में हमारे बाबू भैया का रोल था, ये किसी के भी गुद्दे बजाने को रेडी रहता था, वो भी बिना ये जाने कि अगले बंदे की गलती है भी या फिर नहीं। तुझे दिख नहीं रहा था तू मर गया था साले में? तू किस पे चला रहा था बाइक? हां मर गया था साले में रास्ते में, तुझे दिख नहीं रहा था तू कहाँ चला रहा गाड़ी? A few moments later. So sorry, मेरे को लगा तुम बैठे थे उसके साथ। I'm so sorry भाई।
भाई सॉरी सॉरी, मेरे को लगा भाई तुम थे। लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद बेचारे बाबू भैया की वो हालत हुई है, जिन लड़कियों की शक्ल के अलावा और कुछ अच्छी नहीं है, तो वो भी हमारे बाबू भैया को सेल्फ गिल्ट दे रही है। अगर एक गेम में लंबा चलना है ना, तो हमें अपना वीकेस्ट नहीं निकालना, हमें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट खड़ा करना है। क्या वीकेस्ट नहीं निकालना है? अगर हम उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्गेस्ट खड़ा कर देंगे ना, तो हमारे घर से कोई नहीं जाएगा। ये समझा रहा हूँ, थोड़ा समझा कर चीजें। तुम एक बात बोलूं? तुम समझाने से पहले अपनी बात को खुद समझ लो। सारी उम्र मैं जोकर जब बड़े यारे बाबू भैया, इससे बड़ा तो तुम्हारा वो ट्यूशन पढ़ाने वाला ही टाइम था। जबकि तुम किसी को कुछ समझाते थे तो कम से कम वो उल्टा जवाब देकर ऐसे तुम्हारे बेस तो नहीं मारते थे। खैर तो फिलहाल यार इस वाली वीडियो को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं, क्योंकि बाबू भैया की बाकी बातें हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। और यार अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार वो भी जरूर से कर देना। अच्छा बाकी अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो यार तब तक के लिए टाटा बाय बाय।